दोस्तों दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल के हुगली नदी तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। यह बंगालियों के अध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। काफ़ी कम लोग ही जानते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी। अगर आपको भी इस मंदिर का इतिहास नहीं पता तो यहाँ हम आपको इस मंदिर के बनने के पीछे का राज बता रहे हैं। कथाओं के अनुसार यह बात तब की है जब सन 1847 में देश में अंग्रेजों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रसमनी नाम की एक महिला थी। वह बहुत अमीर थी और विधवा भी थी। उसके पास सब कुछ था पर पति सुख नहीं था। जब रानी रसमनी की उम्र का चौथा पड़ाव चल रहा था तब उनके मन में ख्याल आया कि वो सभी तीर्थों का दर्शन कर ले। रानी को देवी माँ में बहुत आस्था थी। उसने सोचा कि वो तीर्थ की शुरुआत वाराणसी से करेगी। वह वाराणसी में रहकर ध्यान करना चाहती थी। उस समय वाराणसी और कलकत्ता के बीच कोई भी रेड लाइन नहीं थी। ऐसे में दोनों शहरों के बीच नाव से ही आया जाया जाता था। उन दिनों वाराणसी और कलकत्ता के बीच कोई रेल लाइन की सुविधा नहीं थी। कलकत्ता से वाराणसी जाने के लिए लोग नाव से आया जाया करते थे। दोनों शहरों के बीच गंगा नदी का रास्ता है और इसी से एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। रानी रसमनी ने भी यही रास्ता अपनाया। वो अपना काफिला लेकर वाराणसी जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जिस दिन उन्हें जाना था उससे ठीक एक दिन पहले उनके साथ एक अजीब घटना हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस रात वह देवी का ध्यान कर सो गई। उन्हें सपना आया और उनके सपने में मैं काली प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि उसे वाराणसी जाने की ज़रूरत नहीं है, वह गंगा के किनारे ही उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दे। फिर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराए। उस मंदिर में स्थापित प्रतिमा में वह खुद प्रकट होकर भक्तों की पूजा स्वीकार करेगी। यह सपना देखने के बाद रानी की आँखें खुल गई। फिर सुबह होते ही रानी का वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और गंगा के किनारे माँ काली के मंदिर के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी। मान्यता है कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश कर रही थी तब उन्हें एक आवाज़ आई जो उनके अंदर से ही आ रही थी कि हाँ, इसी जगह पर इस मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद रानी ने वो जगह खरीद ली। इसके बाद मंदिर बनने का काम शुरू हो गया। मंदिर का काम 1855 में पूरा हुआ, यानी कुल 8 वर्षों में। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस को माँ काली साक्षात दर्शन दी थी। इस बारे में कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस को विश्वास था कि कठोर साधना से माँ काली का साक्षात्कार किया जा सकता है। इस कारण उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ माँ काली की पूजा अर्चना किया। उनकी भक्ति को देखते हुए दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पुजारी बन गया। कहते हैं कि 20 साल की आयु से रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंतर साधना के बल पर माँ काली के साक्षात दर्शन किए हैं। कलकत्ता के प्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1847 में शुरू हुआ था, जिसके निर्माण में 8 साल का समय लगा, जो 1855 में जाकर पूरा हुआ। इस मंदिर का पश्चिम बंगाल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जबकि इस मंदिर के आध्यात्मिक इतिहास में रहस्यवादी ऋषि और सुधारक परमहंस और उनकी पत्नी सुरदा देवी का नाम भी जुड़ता है। लगभग 25 एकड़ के विशाल क्षेत्र में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्माण में बंगाल वास्तुकला का नवरत्न शैली निर्मित का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में देवी काली की एक मूर्ति है जिसे भवतारिणी के रूप में जाना जाता है, जो एक शिव के सीने पर खड़ी है, जबकि दो मूर्तियों को चांदी से निर्मित कर 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के सिंहासन पर विराजित किया गया है। मुख्य मंदिर के 12 शिव मंदिर समान है, जो पूर्व में अंकित अनातला बंगाल वास्तुकला में निर्मित है। वे हुगली नदी के घाट के दोनों ओर बने हैं, जबकि मंदिर परिसर के उत्तरी पूर्व में एक विष्णु मंदिर है। दोस्तों यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो अपनी यात्रा पर जाने से पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर के खुलने के समय के बारे में जानते हैं। तो हम आपको बता दें कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक और 3 बजे से 8:30 बजे तक खुलता है। आप इसी दौरान कभी भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। बता दें कि कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के परिसर में काली मंदिर के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के समर्पित मंदिर
और अन्य आकर्षण भी स्थापित है जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। नट मंदिर। नट मंदिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर का प्रमुख मंदिर है जो धार्मिक प्रवचनों और आध्यात्मिक गीता के उपदेशों को भक्तों तक पहुंचाने के लिए स्थान के रूप में कार्य करता है। यह मंदिर 16 खंभों वाली संरचना जिसके ठीक ऊपर भगवान शिव की एक मूर्ति स्थापित है। गाजीताल। गाजीताल दक्षिणेश्वर काली मंदिर परिसर में स्थित तालाब के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहा जाता है कि वह यही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने इस्लाम की खोज की थी। इस जगह के करीब एक पीपल का पेड़ है। जब दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनाया गया तो रानी रश्मिनी ने गाजीताल को विचलित नहीं किया बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में चिन्हित किया जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही नमाज अदा करने आए थे। आज गाजीताल का रखरखाव देवोटार एस्टेट द्वारा किया जाता है। कुथी बारी। मूल रूप से लांड हेसन द्वारा निर्मित कुथी बारी मंदिर परिसर का एक प्रमुख आकर्षण है जो गाजीताल के बहुत करीब गंगा के उत्तर में स्थित है। कहा जाता है कि जब भी रानी रश्मिनी मंदिर जाती थी तो कुथी बारी उनका दूसरा घर बन जाता था जहां वे अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती थी। वर्तमान में यह बारी एक पुलिस शिविर के रूप में कार्य करती है जो पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखती है। विष्णु मंदिर। यह मंदिर परिसरों के उत्तर पूर्व में स्थित है जिसे विष्णु मंदिर या राधाघाट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में एक चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण और राधा जी की मूर्ति विराजमान है। शिव मंदिरों का समूह। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के देवालय परिसर में एक समान 12 शिव मंदिर स्थापित है। इन मंदिरों की श्रृंखला को छादनी से विभाजित किया गया है जिसमें शिव मंदिरों को बाई और 6 मंदिरों को दाई ओर रखा गया है। यहाँ प्रतिदिन प्रार्थनाएं की जाती है और कहा जाता है श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान तक पहुँचने के लिए यहाँ ध्यान किया था। बकुल ताट घाट। नहाबत खान से कुछ दूरी पर स्थित बकुल घाट ताट एक प्रसिद्ध घाट है जहाँ प्राचीन में भी शारदा माँ स्नान करती थी। साथ ही यही जगह है जहाँ रामकृष्ण के गुरु भैरवी ब्रह्माणी योगेश्वरी देवी ने उन्हें तंत्र साधना की शिष्या बनाया था। पंचवटी। बकुल ताट के उत्तर में स्थित पंचवटी इस मंदिर का परिसर पर एक प्रमुख आकर्षण है। पंचवटी के दक्षिण में श्री रामकृष्ण मार्गदर्शन में बरगद पीपल नीम आंवला के 5 पेड़ लगाए गए हैं। कहा जाता है कि इन पेड़ों को लगाने के लिए वृंदावन से राधा कुंड और श्याम कुंड से मिट्टी लाई गई थी। दोस्तों वीडियो कथा और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में दक्षिणेश्वर काली माता की जय लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।